झांकी दिखाने वाली है बरखा को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे देख के तो बरखा के होश ही उड़ जाएंगे। जी हाँ, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी जाएगी बरखा के पास और उसे दिखाएगी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे देख के बरखा तो खून के आंसू रोने वाली है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली एक्सप्रेस में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी जाती है बरखा के पास। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बरखा ही अनुज और अनुपमा को अलग करने में लगी हुई है, क्योंकि बरखा चाहती है कपाड़िया एम्पायर्स और कपाड़िया हाउस को अपने नाम करना। जी हाँ, बरखा पूरे के पूरे कपाड़िया एम्पायर्स को टेक ओवर करना चाहती है। लेकिन पाखी करती है बरखा से नफरत, क्योंकि बरखा कर रही है अनुज और अनुपमा को अलग। जिसके बाद पाखी पहुंचेगी बरखा के पास और दिखाएगी एक कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट में अनुज ने लिखा है कि अगर अनुज की एब्सेंस में अनुपमा नहीं संभालेगी कपाड़िया एम्पायर्स को, जी हाँ, एक महीने के अंदर अगर अनुपमा नहीं करेगी कपाड़िया एम्पायर्स को टेक ओवर, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यानी कि कपाड़िया एम्पायर्स और उसका पूरा घर चला जाएगा एक एनजीओ को। जी हाँ, और ये देख के तो बरखा के होश ही उड़ जाएंगे कि वो नहीं कर सकती कपाड़िया एम्पायर्स को अपने नाम। जिसके बाद खुद बरखा जाने वाली है अनुपमा के पास और उसे हैंडओवर कर देगी कपाड़िया एम्पायर्स और लेकर आएगी कपाड़िया हाउस में। जी हाँ, बरखा तो हो गई है बिल्कुल शॉक। ये कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद तो बरखा के होश उड़ गए हैं और अब अनुपमा को वापस आना पड़ेगा कपाड़िया एम्पायर्स को संभालने के लिए, वरना पूरी की पूरी कपाड़िया एम्पायर्स चली जाएगी एक एनजीओ को। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब क्या करने वाली है बरखा। कैसी लगती है आपको अनुपमा की स्टोरी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।